अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, हमारा ये वीडियो देश को जागरूक कर सकता है, हम इंसानों को जागरूक कर सकता है, एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, मेरा ये वीडियो जस्ट एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है, अवेयरनेस टूवर्ड्स द लाइफ ऑफ हर्मिट क्रैब। अगर आप इस अवेयरनेस का पार्ट होना चाहते हो और अगर हो सकते हो तो हमारा ये वीडियो एज मच एज पॉसिबल स्प्रेड कीजिए, ताकि हर वो इंसान इंडिया के, हर वो इंसान वर्ल्ड के, हर वो इंसान तक ये मैसेज पहुंचे। जाने अनजाने में हम किस कदर इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और अनजाने में ही हम इसे पूरा एक्सटेंड में लेके आ रहे हैं। तो इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर हर वो इंसान तक फैलाइए इस वीडियो को। ये वीडियो जितना लोगों तक पहुँचेगा उतना हर्मिट क्रैब का ज़िंदगी बचेगा। अगर एक भी प्राणी की ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेव लाइफ ऑफ अ हर्मिट क्रैब बाय शेयरिंग दिस वीडियो। प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो टू एवरी इंडिविजुअल और अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, टू सेव अ लाइफ ऑफ अ सिंगल हर्मिट क्रैब। थैंक यू। ये है मैनग्रोव का रूट। मैनग्रोव का जो ये जो रूट है ये अपसाइड में रहता है। ये मैनग्रोव का, ये है बड़ा एक मैनग्रोव का प्लांट ट्री, और इसका जो रूटिंग हो रहा है आप देख सकते हो किस तरह का ये रूटिंग हो रहा है। इट्स वेरी यूनिक, वेरी नाइस। चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट को पार करके, छोटा छोटा कैनल पार करके मेनस्ट्रीम रिवर के साइड जाकर हमें जो चीज़ देखना है या आपको जो चीज़ दिखाना है वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पर इस जंगल में क्यों आए हैं। के हर अलग अलग इलाके से अब तक हम 1 घंटा वॉकिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, हालांकि धीरे धीरे वॉकिंग करना पड़ रहा है। 1 घंटे का वॉकिंग को आपको शॉर्ट में दिखा रहे हैं। यहाँ से इधर आगे जाना है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे कैमरे में बैटरी भी बहुत लिमिटेड है आज, तो जितना जल्दी हो सके ये वीडियो को कैप्चर करने के लिए और प्राइम पोजीशन को कैप्चर करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।
नाउ वेयर वी आर इट्स अनदर डाइवर्सिटी जोन। यहाँ पर अभी हाई टाइड में पानी आ जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं होगा, 2-3 फीट का पानी होगा। आप देखिए यहाँ से इस कैनल से पानी आ रहा है, धीरे धीरे अप डाउन हो रहा है। इस कैनल से धीरे धीरे ये पानी भर जाएगा। ये काफ़ी घना जंगल है, आप देख सकते हो, ये इतना घना जंगल है। यहाँ के जो लोकल्स है वो बोले बी सेफ फ्रॉम क्रोकोडाइल और वाइल्ड एनिमल, जो काफ़ी चीता भी है, वाइल्ड एनिमल भी है, तो काफ़ी वाइल्ड जोन है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा आगे आने के लिए मेरे साथ। यहाँ पर आउच में गिरने वाला, ब्यूटीफुल वाइल्ड नेचर, जो वाइल्ड जोन है, काफी काटा वाला पेड़ पौधा है यहाँ पर। यहाँ पर ऑफर आ गया, देख सकते हैं ये कैनल है। ये कैनल को पास करके हम धीरे धीरे डीप में एंटर कर सकते हैं। ये दिख दिया नाम, these are the bone of this biodiversity। और ये आप देख सकते हो इस कैनल में काफी पानी भर चुका है और पूरी तरह इट्स अ डेंस फॉरेस्ट। हम इधर आगे जाएंगे तो काफी घना हो जाएगा, वी शुड नॉट गो। काफी काटा वाला पेड़ पौधा है इधर। यहाँ पर बियर फुट आना बहुत बहुत रिस्की है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को पार करके, छोटा छोटा कैनल पार करके मेनस्ट्रीम रिवर के साइड जाकर हमें जो चीज़ देखना है या आपको जो चीज़ दिखाना है वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पर इस जंगल में क्यों आए हैं। एक छोटा सा कैनल है, I'm going to cross this channel। आगे बहुत सारे कैनल्स हैं। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक है, बायोडायवर्सिटी ऑफ हर्मिट क्रैब। आज हमारा टॉपिक है हर्मिट क्रैब। यस, आज जो भी लोग इंडिया से देख रहे हैं हमारा वीडियो या वर्ल्ड से देख रहे हैं, जो भी लोग कहीं से भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, ये हर्मिट क्रैब वर्ल्ड वाइड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नेचर और बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। तो आज ये हर्मिट क्रैब के ऊपर हम पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको पूरा जानकारी देंगे कि ये हर्मिट क्रैब है क्या चीज़, कहाँ पाया जाता है और ये क्यों धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, कैसे विलुप्त होता जा रहा है और इंसान के हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ये हर्मिट क्रैब धीरे धीरे क्यों प्रॉब्लम में आ जा रहा है। हर्मिट क्रैब क्या है? हर्मिट क्रैब एक क्रैब है जिसका अपना कोई शेल नहीं होता है। ये इस तरह का जो शेल आप यहाँ पर देखे, या इस तरह का जो शेल, ये जो शेल्स हैं, ये शेल खाली शंख है। ये स्नेल के अंदर इसका ओरिजिनल स्पीसीज मर जाता है,
उसके बाद इसके अंदर हर्मिट क्रैब रहता है, वो अपना शेल बदलता रहता है और ऐसे ही नदी और समुंदर के किनारे गिरा हुआ शेल में ही ये हर्मिट क्रैब डेवलप करता है, अपने आप को रखता है। तो आज क्या हो रहा है ये बायोडाइवर्सिटी में, हमको यहाँ पर ये इधर आइए प्लीज, ये लाइव हर्मिट क्रैब हम दिखाना चाहेंगे। ये है लाइव हर्मिट क्रैब, ओके, ये है लाइव हर्मिट क्रैब। मैं इसको पकड़ रहा हूँ, मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसको निकलने दें, लेट देम वेट। ये कंप्लीटली लाइव हर्मिट क्रैब है, यहाँ पर और दो तीन है। ये है लाइव हर्मिट क्रैब, अभी ये निकलेंगे। ये जो स्पीसीज है ये एक तरह का क्रैब है जो स्नेल के शेल में रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ सॉर्ट ऑफ क्रैब जो स्नेल के शेल में रहता है, इसका अपना कोई शेल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है नेचर के लिए और मेरीन एक्वेरियम के लिए। मेरीन एक्वेरियम में इस हर्मिट क्रैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अभी नेचर में आपको दिखा रहा हूँ, ये हर्मिट क्रैब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, अब आइए, हमारे दीघा या उड़ीसा या जो भी कोस्टल एरिया है, दीघा हो, उड़ीसा हो, चेन्नई हो, बॉम्बे हो, जो भी कोस्टल एरिया है, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये जो शेल है, ये शेल को ह्यूमन कलेक्ट कर रहा है, ओवर नेटिंग किया जा रहा है, इसको कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके ऑर्नामेंट के तौर पर। दिस इज द थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू, ये वही सारे ऑर्नामेंट्स है जो शंख के, जो स्नेल के, जो हर्मिट क्रैब के जो ओरिजिनल मदर शेल होता है, वो शेल का निकाल कर उठा कर ये ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। और ये ऑर्नामेंट ऑल अराउंड द इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप कह सकते हो, इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा हर कोस्टल एरिया में ये मिलता है। तो यही होता है, दिस इज द मेन रीजन आई वांट टू एक्सप्लेन कि आज हर्मिट क्रैब क्यों विलुप्त हो रहा है, क्यों एक्सटेंशन में आ जा रहा है। दिस इज द मेन रीजन, यू कैन सी, कोई घर नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पर एक खाली शेल है और चार हर्मिट क्रैब हो सकता है, लेकिन इसके अंदर घुसने के लिए एक ही घुस पाएगा, तो एज अ रिजल्ट बाकी तीन मर जाएंगे। इस तरह आज शेल धीरे धीरे कम हो रहा है, ये जो शेल है ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ये शेल कम हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी में, ये नेचर में ये कलेक्ट किया जा रहा है बेचने के लिए, ऑर्नामेंट के लिए। आपके घर में ये शंख का जो भी चीज़ है आप खरीद रहे हो, आप जान के रखिए किसी के जिंदगी का जो हिस्सा है इसका घर आप ले रहे हो। ये शेल सालों साल हर्मिट क्रैब अपना शेल बदलता रहता है, छोटा हर्मिट क्रैब से बड़ा, बड़ा से थोड़ा बड़ा, अपना शेल बदलता रहता है। तो ये शेल ना होने की वजह से ये हर्मिट क्रैब अपना शेल बदल नहीं पाता और धीरे धीरे मर जा रहा है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जा रहा है ये हर्मिट क्रैब। तो ये हर्मिट क्रैब को आज पूरा दीघा में बोलिए या किसी भी कोस्ट में बोलिए, आज हर्मिट क्रैब आपको नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा। 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले हजारों लाखों के तादाद पर हर्मिट क्रैब हुआ करता था। आज हमें सिर्फ लाइव हर्मिट क्रैब देखने के लिए उड़ीसा के इतने इंटीरियर एक बायोडाइवर्सिटी में आना पड़ा, और यहाँ पर भी आके हमें सिर्फ गिना चुना ही हर्मिट क्रैब मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है, हजारों के तादाद पर नहीं मिल रहा है।
तो ये हर्मिट क्रैब बहुत इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए, और ये हर्मिट क्रैब की इम्पोर्टेंस को ना समझ के सिर्फ इंसान अपना शौक के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए इनका शेल ले रहा है, और इसीलिए ये हर्मिट क्रैब बायोडाइवर्सिटी से ही विलुप्त हो जा रहा है। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप यहाँ देखेंगे कि वो नेचर में कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सामने आप देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये अभी लो टाइड चल रहा है, लो टाइड में रिवर में यहाँ पर पानी है, हाई टाइड में धीरे धीरे पानी ऊपर चला आएगा, मैंग्रोव भी भर जाएगा। यहाँ पर जो रिवर बेसिन है, यहाँ पर कुछ हर्मिट क्रैब हमें दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर काफी सारे हर्मिट क्रैब है, छोटे छोटे 1, 2, 3, 4 पानी में ही है। मुझे पता नहीं आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। ये है हर्मिट क्रैब का, देखिए एक छोटा सा टूटा सा शेल, लेकिन इसके अंदर भी वो हर्मिट क्रैब है। देखिए ये भी चलेगा, इसको अभी शेल नहीं मिल पा रहा है। देखिए ये भी हिल रहा है, ये भी चल रहा है, छोटा सा शेल में भी, क्योंकि इसको बेहतर जगह जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है। दे डोंट हैव देयर ऑल्टरनेटिव शेल्स ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। आज ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण इन्हें शेल नहीं मिल रहा है, ये डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए एज अ रिजल्ट ये मर जा रहे हैं, ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, ये ज्यादा बर नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये है शेल, ये जो शेल है, ये शेल को जब ह्यूमन अपने ऑर्नामेंट बनाने के लिए ले रहे हैं, तो हर्मिट क्रैब इसके अंदर और रहने के लिए उसको जगह नहीं मिलता है। एज अ रिजल्ट आई रिपीट, जब नदी से ये शेल कलेक्ट कर लिया जाता है, तो हर्मिट क्रैब जब बच्चा देता है, वो बच्चे बड़े होने के लिए कोई शेल नहीं मिलता है, और दूसरे प्रीडेटर इन्हें खा जाते हैं, और ये शेल से ही इनको प्रोटेक्शन मिलता है, ये शेल से ही इनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो अपना प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें शेल मिल ही नहीं रहा है। ये देखिए, ये है एक शंख, ये शंख आपको किसी भी कोस्टल ऑर्नामेंट के दुकान में खरीदने को मिलेगा, लेकिन इस शंख के अंदर यू विल गेट अ हर्मिट क्रैब। अभी थोड़ी देर बाद देखिए ये शंख हिलना शुरू हो गया और चलना भी शुरू कर रहा है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर पानी में ये शंख ही ना रहे, आप शंख को ही उठा के आपके घर में ले आओ, तो ये हर्मिट क्रैब किस शेल में रहेगा। वेरी लाउड और क्लियरली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये किस शेल में रहेगा अगर ये शंख ही ना रहे। तो आज यही हो रहा है ओवर नेटिंग के चलते, ऑर्नामेंट के चलते। देखिए ये भी एक शंख, आज ऑर्नामेंट पर्पस के लिए ये शंख उठाया जा रहा है और हर्मिट क्रैब को मार दिया जा रहा है। हर्मिट क्रैब को अपना घर नहीं मिल रहा है, अपना शेल नहीं मिल रहा है चेंज करने के लिए। ये इसका शेल नहीं है, ये शेल बड़ा नहीं होता, ये जब बड़ा होता है तो बड़े शेल में जाता है। जैसे जैसे ये हम कपड़ा चेंज करते हैं, हम जैसे जैसे बच्चे में छोटा कपड़ा पहनते हैं, बड़े होने पर बड़ा कपड़ा पहनते हैं, तो ये हर्मिट क्रैब भी जिस तरह से बड़ा होता है, अपना कपड़ा चेंज करता रहता है। तो यही कपड़ा चेंज करने के लिए अगर ये कपड़ा ही ना रहे, तो वो चेंज करके किस शेल में जाएगा, वही उसका प्रोटेक्टिव आर्मर है। इसका प्रोटेक्टिव आर्मर यही शेल है। ये हमारा दूसरा एंगल बायोडाइवर्सिटी का, मैनग्रोव का बायोडाइवर्सिटी। तो ये रिवर चैनल या कैनल आप जो भी कहे, ये निकल रहा है यहाँ से, ये समुंदर से कनेक्टेड है, और ये बायोडाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली न्यूट्रिशनस वाटर। यहाँ पर नदी का न्यूट्रिशन समुंदर के साथ मिलके ये पानी को हाईली न्यूट्रिशनस बनाता है। यहाँ पर हाई लेवल ऑफ जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन पाया जाता है, और इसी हाईली न्यूट्रिशनस वाटर में ये मैंग्रोव होता है, और ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक छोटा सा हर्मिट क्रैब। ये शानदार बायोडाइवर्सिटी, आप देखिए कितने सारे गोबीज हैं, जो आप मेरीन फिश में, मेरीन टैंक में देखते हो, कितने सारे गोबीज हैं। तो आज मैं नेचर में, वाइल्ड में आपको आकर ये दिखा रहा हूँ। ये शानदार बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए हमें
एक्सट्रीम इंटीरियर, एक्सट्रीम अनमैंड एरिया, जहाँ पर मछुआरा छोड़ के और कोई इंसान टूरिस्ट नहीं आता है, वो जगह पर हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और ये मेरा रिसर्च का पार्ट है, पूरा रिसर्च थीसिस भी आपको मिलेगा इसके ऊपर, पूरा डिटेल रिसर्च। एनीवे, आज हो सकता है कि मैं बिना माइक का, बिना बहुत बढ़िया अच्छा कैमरे का ये शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन आज शूटिंग में फोकस नहीं है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं हीरो बनूँ, अच्छा माइक और अच्छा कैमरे से शूट करूँ। तो इसके लिए मैं अपोलॉजी चाहता हूँ, अगर आवाज़ थोड़ा कम आए, थोड़ा तकलीफ़ से आप सुन लीजिए। ये नेचर में हम रिसर्च के लिए आए हैं, आज हमें नेचर को देखने के लिए नेचर के बहुत करीब जाना पड़ रहा है, बहुत इंटीरियर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम खुद नेचर को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इसमें हम सब आ जाते हैं। सो मेरा ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये जो रिसर्च है ऑन हर्मिट क्रैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस रिसर्च में आपको ये भी पता चलेगा कि हर्मिट क्रैब क्या है, ये भी पता चल रहा है कि इस हर्मिट क्रैब का इम्पोर्टेंस क्या है, और ये हर्मिट क्रैब क्यों विलुप्त हो रहा है, और इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है। और आज हमारे देश का या इंडिया का एक कॉमन सा चीज़ प्रोडक्ट होने के बावजूद भी एक्वेरियम इंडस्ट्री में हमें हर्मिट क्रैब इम्पोर्ट करना पड़ता है, दूसरे कंट्री से खरीदना पड़ता है। जो नदी के किनारे रहने वाले चीज़ है, वो हमें 100, 200, 400, 500, 1000 रुपए में खरीदना पड़ता है। तो ये जो नौबत है, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद ही हैं। ये जो इनका ऑर्नामेंट के तौर पर इनका शेल उठाया जा रहा है, ओवर नेटिंग एंड ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर शेल्स लीड्स टू डिक्रीजिंग डिक्लाइन देयर पॉपुलेशन। तो इनके पॉपुलेशन को बनाने के लिए हमें ओवर नेटिंग ऑफ देयर शेल्स को रोकना है, परचेजिंग ऑफ देयर शेल्स ऐसा ऑर्नामेंट को बंद करना है, खुद को जागरूक होना है, खुद को समझना है कि उसका जो शेल है वो उसका घर है, उसका मकान है। तो हम उसके ही घर को, उसके मकान को, उसको तोड़ के हम अपने घर पे रख रहे हैं, जो हमारे घर में एक यूजलेस प्रोडक्ट है। आप इस चीज के इम्पोर्टेंस को समझिए। एक ऐसा चीज मैं कहां वो डाला, दिस इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आवर होम। हमारे घर के सजावट के लिए ये एकदम ही बेकार और अनइम्पॉर्टेंट चीज है। एक इंसान में, आपके जिंदगी में इस शेल का क्या अहमियत है? नथिंग, जीरो। लेकिन ये शेल का इस नेचर में क्या अहमियत है? एक लाइफ, कॉस्ट ऑफ अ लाइफ। एक हर्मिट क्रैब अपना घर बना सकता है, अपना प्रजनन कर सकता है, अपने बच्चे को यहाँ रख सकता है, ये उसका लाइफ है। And you are costing their life only for to get a decorative piece in your table, in your room. I found one small tiny one. छोटा सा हर्मिट क्रैब मिला, वो भी इतना छोटा सा, एकदम लेट। Now you just see, this is the extremely bitter truth of a life of hermit crab. आज हम इंसान इस hermit crab, एक प्राणी को क्या life दे रहे हैं?
आज हम इंसान के इंटरफेरेंस में इन्हें क्या ज़िंदगी मिल रहा है। आज इनके पास अपना शेल तक नहीं है, एक प्लास्टिक, एक फाइबर, एक ग्लास के टुकड़े को वो अपना शेल बना रहे हैं मजबूरी में अपना ज़िंदगी बिताने के लिए। बस आप हमें बताइए, क्या आज ये हर्मिट क्रैब, ये प्लास्टिक का शेल, ये आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रोडक्ट डिज़र्व करते हैं अपना शेल बनाने के लिए? ना वो डिज़र्व करते हैं अपना नेचुरलिटी, अपना नेचुरल चीज़। आज उन्हें क्यों ये आर्टिफिशियल चीज़ पर डिपेंड होना पड़ रहा है सर्वाइवल करने के लिए? आज इसका ज़िम्मेदार कौन है? यू हैव टू फील इट, यू हैव टू थिंक इट। अगर आज हम जागरूक नहीं हुए, आज भी हम जागरूक नहीं हुए, हम फील नहीं कर पाए कि आज हम किस लेवल पे ज़िम्मेदार हैं। एक छोटे से स्पीसीज, छोटे से एनिमल नेम्ड हर्मिट क्रैब, इसके ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए और इसके पूरे बिरादरी को ख़त्म करने के लिए हम किस कदर ज़िम्मेदार हैं? अगर आज हम ये ज़िम्मेदारी खुद नहीं उठाए तो हम आने वाले दिन में कभी अपने आप को या अपने प्रकृति को बचाने के नौबत कभी नहीं आएगा, हम बचाने के लायक नहीं रहेंगे, प्रकृति हमें बचाने के लायक छोड़ेगा नहीं। तो आज हमें सोचना है, ये विचार करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। आज ये प्लास्टिक का शेल इस चीज़ का एग्जांपल है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस किस कदर इनके नेचुरल चीज़, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल घर को बर्बाद कर दे रहा है और ये मजबूरी में जस्ट टू बींग सर्वाइवल एक्सटिंक्ट, बचने की कोशिश में एक आर्टिफिशियल जगह को एक्वायर कर रहा है जो इनके लिए कभी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू टू थिंक ऑफ इट एंड डिसाइड।